अस्सलाम वालेकुम सर। السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سر، آپ خیریت سے؟ الحمد لله. جی एक मिनट। जी हम लोग जो है इससे पहले जो क्लास में अटेंड किए थे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इससे पहले जो है जुबा के मसाइल हम पढ़ रहे थे और जुबा के हवाले से हम बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश किए थे कि जुबा में कितने रगे कटना ज़रूरी है। तो चार रगे कटने के बारे में बताया गया था, दो शहरग, नरफरा सांस की रग और खाने में के। और इसी तरह जो है चंद चीजें बताई गई थी कि जुबा करने वाला जो है मर्द होना या फिर जो है बालिग होना शर्त नहीं है, बल्कि बच्चा भी जुबा कर सकता है लेकिन समझदार होना चाहिए, और खातून भी जुबा कर सकती है। और जुबा करने के आदाब बतला गए थे आपको। फिर उसके बाद जो है जुबा करते वक्त ये हमें जानना जरूरी है कि जानवर जो है की जिंदा है। आवाज ये नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही, ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जुबा करते वक्त ये जानना जरूरी है कि जानवर जिंदा है। अगर जो है जानवर के जिंदा होने की कोई अलामत नहीं है, मुर्दा हो चुका है, तो जानवर जुबा करने से हलाल नहीं होगा बल्कि मुर्दा ही रहेगा, हराम रहेगा। ये तमाम चीजें जो है हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके थे। आज जो है अभी जानने की कोशिश करेंगे आज इंशाल्लाह ताला कि कौन सा जानवर हलाल है और कौन सा जानवर हराम है। ये जानना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे जानवर ऐसे रहते हैं जो हलाल होते हैं लेकिन हमें अंदाजा नहीं होता, और बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जो हराम हैं, हमें पता नहीं चलता। तो बहरहाल जो है चंद रूल समझिए या फार्मूले समझिए। शुरू में बयान कर दिए गए एक मोटा कायदा जाब्ता बयान कर दिया गया, उससे हमें अंदाजा होता है कि इस जाब्ते के तहत जो भी आएगा वो जानवर हराम होगा और फलां जाब्ते से जो भी आएगा। जी तो आज इंशाल्लाह ताला ये कौन से जानवर हलाल है और कौन से जानवर हराम है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर आप थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए ना, आवाज क्लियर नहीं है सर। और फैन बंद करिए, किसी का फैन की आवाज आ रही है, फैन की आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है।
जी अब आ रही है आवाज? जी सर अब जी आ रही है। ठीक है, तो बहरहाल हलाल जानवर और हराम जानवर कौन से हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो उसके फार्मूले है, रूल्स है, वो शुरू में है, 1.5-2 सफे पर है। उसके बाद पूरे जानवरों की लिस्ट है अल्फाबेटिकली, जो है हरूफ तहजी के अतबार से, अलिफ से जो भी जानवर आते हैं वो, उसके बाद बा से जो जानवर आते हैं, पूरी यहाँ पर लिस्ट है। पढ़ना चाहे तो भी लेकर पढ़ ले सकते हैं तफसील से। उसके बाद कुर्बानी के मसाइल है, उसके बाद अकीक एक मसाइल जानेंगे हम। तो बहरहाल आज भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से जानवर हलाल है और कौन से जानवर हराम है। सबसे पहले देखिए, जिन जानवरों का, कुरान में जिन जानवरों के बारे में बयान कर दिया गया कि वो हराम है, तो बहरहाल वो उसके कुरान के हिसाब से कतई तौर पर हराम रहेंगे। यानी कुरान ने सराहतन क्लियर बयान कर दिया गया कि फला जानवर हराम है। जैसे सुअर है, पालतू गधा है, ये जो जानवर है, इन जानवरों के बारे में जो है बयान कर दिया गया। तो लिहाजा जो भी जानवरों के बारे में कुरान में आया है कि हराम है बोलकर, तो हराम ही रहेंगे। उसके बारे में कोई भी जो है ऊंच नीच नहीं होगी, हराम ही रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जिन जानवरों में खून नहीं है, जैसे मक्खी है, मच्छर है, मकड़ी है, झिंगुर है, जिगनू, दीमक, चींटी, इन जानवरों के बारे में कहा जाता है कि इनके अंदर खून नहीं होता है। खून इनके अंदर नहीं होता है तो ये जानवर जो है, ये जानवर भी हराम है। जिन जानवर, आप एक जाप्ता समझ जाइए कि जिन जानवरों में खून नहीं है वो जानवर भी हराम है। अब किसके अंदर खून नहीं होता, वो उस फील्ड के जो जानवरों के इल्म से वाकिफ है वो बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद लिस्ट बतला दी गई, चंद नाम बतला दिए गए हैं कि इनके अंदर खून नहीं होता है। मच्छर है, मकड़ी है, झिंगुर है, बिच्छू, जिग्नू, दीमक, चींटी वगैरह, तो इनके अंदर खून नहीं होता है। तो अलबत्ता टिड्डी के बारे में बता रहे कि ये टिड्डी जो है हलाल है बोलकर बताया जा रहा है। इनके अंदर खून नहीं होता टिड्डी के अंदर, लेकिन फिर भी हलाल है। अब ये जरूरी है कि टिड्डी कौन सी टिड्डी, तो बाज़ उलमा ये बताए कि अरब जो दुनिया है वहाँ की टिड्डी थोड़ा अलग होती है, और अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टिड्डियाँ हैं वो थोड़ी अलग है। तो अहादीस में जो भी ज़्यादा आई है वो ख़ास टाइप है, ख़ास किस्म है जो अरब में पाई जाती है। बहरहाल टिड्डी के बारे में फरमाया गया कि टिड्डी हलाल है। अब टिड्डी हमारे पास जो दिखती वो टिड्डी क्या, तो बहरहाल इसके बारे में बाज़ुल टिड्डी, वो टिड्डी एक साल पहले लॉकडाउन से पहले पहले आ रहे थे ना, पूरे पूरे झुंड के झुंड पूरे खेतों खा ले रहे थे ना, न्यूज में भी बता रहा था, राजस्थान के बहुत सारे इलाकों में आके खा लिए थे। बहरहाल मशहूर है, मशहूर है, आप सर्च कर रहे थे। तो बहरहाल जिन जानवरों में खून नहीं होता है वो जानवर भी जो है हराम है। दो दो कैदे हो गए। तीसरा कैदा ये है कि जिन जानवरों में खून है लेकिन बहता हुआ खून नहीं है, रग में, जैसे इंसान के रग में बहता हुआ खून रहता है कि रग में गर्दिश करते रहता है, वैसा खून है लेकिन वैसा बहता हुआ खून नहीं है, तो वो जानवर भी हराम है। जैसे सांप है, सांप के अंदर खून रहता है लेकिन रगें और रग में गर्दिश करता हुआ खून वैसा नहीं होता है, तो ऐसे जानवर भी जो है हराम ही है। सांप है, चिपकली है, गिरगिट है, तो ये तमाम जानवर जो है हराम ही कहलाएंगे। एक लफ्ज है हशरातुल अर्ज। अर्ज अरबी में जमीन को कहते हैं, हशरात कहते हैं कीड़ों को। जमीन के जो कीड़े हैं वो भी जो है हराम है।
यानी वो कीड़े जो जमीन के अंदर रहते हैं, जैसे चूहा है, चिचोंदर है, चिचोंदरी जिसे अपने पास को लगाते हैं, घोंस है, ये नियोला बोल के यहाँ पर लिखा गया है, शायद कोई देखे हो। तो बहरहाल ये तमाम जानवर जो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन में घर बना कर रहते हैं, जिनको उर्दू में जो है हशरातुल अर्ज कहा जाता है, जमीन के कीड़े, तो ये जानवर भी जो है हराम है जी। अलबत्ता खरगोश के बारे में भी है कि वो भी थोड़ा जमीन के अंदर ही घर बना के रहता है, लेकिन खरगोश हलाल है, खरगोश को छोड़कर जितने भी हशरातुल अर्ज है सब जो है हराम है जी। उसके बाद ये है कि जो पानी में रहने वाले जानवर, इतने पूरे खुश्की में रहने वाले थे, अब पानी के जानवरों के बारे में गुफ्तगू हो रही है कि जो जानवर पानी में पैदा हुए और पानी में जिंदगी बसर कर रहे हैं वो भी हराम है, यानी पानी में पैदा हुए और उनकी जिंदगी जो है पानी में ही रहती है, मुकम्मल जिंदगी, पैदाइश से लेकर पूरा मरने तक पूरा पानी में ही रहते हैं, वैसे जानवर भी जो है हराम है, जैसे मेंढक है, केकड़ा है, मगरमच्छ है, केचुआ है, ये लोग पानी में पैदा होते और जितने भी जिंदगी गुजारना है पानी पानी से बाहर नहीं निकलते, पानी में मर भी जाते हैं, तो ये जानवर भी जो है हराम ही है। अलबत्ता जो है मछली जो है पानी में पैदा होती है, पानी में मरती है, लेकिन मछली जो है जिंदा हो के मरी हो वो हलाल है। एक बात होगी मच्छी के बारे में थोड़ी तफसील ये भी है, अगर वो मछली हो जो अपने खुद ब खुद मर जाए, यानी किस कोई शिकार की वजह से या कोई शिकार करने की वजह से ना मरे, क्योंकि खुद ब खुद मर जाए और मरकर जो है समंदर के पानी के ऊपर तैर रही हो, उलट कर तैर रही हो, तो वो मच्छी जो है हराम हो जाएगी। आप बात समझ रहे होंगे कि एक मछली तो वो है शिकार, आदमी शिकार कर रहा था, उसको बाहर निकाल लिया तो डर से खौफ से मर गई, तो बिल्कुल हलाल है, वो अपना आप मर रही तो वो हराम। लेकिन और एक मछली वो है जो या तो बीमारी से या किसी और वजह से खुद ब खुद मर गई, यानी कोई शिकार की वजह से या सदमे की वजह से, किसी शिकार की वजह से नहीं बल्कि खुद ब खुद मर गई, तो उसको एक टर्म है, इस्तेलाह है, तौफी कहा जाता है। तौफी का मतलब होता है कि वो मछली जो मरकर खुद ब खुद मरकर ऊपर उसकी वो उल्टा तैर रही हो, जब कोई मछली खुद ब खुद मछली मरकर ऊपर तैरती आप देखे भी होंगे, तो ऐसी मछली को जो है तौफी कहा जाता, तो तौफी मछली जो है वो हराम है। अलबत्ता जो मछली शिकार की वजह से मर गई है वो बिल्कुल हलाल है। तो समंदर के तमाम जानवर जो समंदर में पैदा होते मरते हैं वो हराम है सिवाय मछली के, और मछली में जो है वो मछली जो खुद ब खुद मरे बगैर किसी रीजन के खुद ब खुद मरती फिर खुद ब खुद ऊपर आकर तैरने लग जा रही है, तो वो तैरती हुई मछली मुर्दा मछली हराम है। और बाम मछली और काली सिया मछली ये भी हलाल है। अलबत्ता झींगा, झींगे के बारे में चंद दिन पहले कोई साहब सवाल भी किए थे, तो झींगे के बारे में थोड़ी तफसील बतला दूं, झींगा हलाल है या हराम। तो पहला ये जाब्ता समझना चाहिए कि मछली के पूरे जानवरों को जो है समंदर के पानी के पूरे जानवरों को हराम करार दिया गया सिवाय मछली के। तो अब झींगे के बारे में ये मसला, ये थोड़ा इख्तलाफ हो गया कि झींगा मछली का ही एक हिस्सा है, मछली के ही खानदान से है या मछली के अलावा कोई दूसरे खानदान से, उसका अलग खानदान है। तो बाज तहकीक करने वालों ने बताया कि मछली का और उसका खानदान एक ही है, बाज लोग बोले कि नहीं मछली का खानदान अलग है झींगे का अलग है, मछली का उससे कुछ भी ताल्लुक नहीं है। तो अब यहाँ पर हुक्म में भी फर्क पड़ गया के समंदर के तमाम जानवर हराम हैं सिवाय मछली के, तब झींगा मछली के अंदर है या नहीं है, तो बाज लोग बोले कि मछली के अंदर ही से वो, जब मछली के अंदर है तो मछली हलाल है तो झींगा भी हलाल रहेगा। बाज लोग बोले कि मछली के अंदर, मछली के खानदान से नहीं है वो,
तो लिहाजा जो लोग बोले मुस्लिम के खानदान से नहीं है लिहाजा हराम रहेंगे। तो बोला कि झींगे में इख्तलाफ है, जो भी इसको मछली है या मछली के खानदान से बताते वो लोग बताते हैं कि हलाल है, और जो बोलते हैं कि मछली के खानदान से नहीं है तो उसको जो है मकरूह तहरीमी बतलाया। तो आप समझ गए होंगे इस बारे में कि झींगे के बारे में क्या हुक्म है। इससे पहले कोई साहब सवाल भी किए थे इसके बारे में। अब देखिए आगे, एक मिनट, जिन अब जो जानवरों के बारे में आइए। अस्सलाम वालेकुम साहब, वो खेकड़े के सूप के ताल्लुक से क्या हुक्म है जी? खेकड़े का सूप अक्सर बोलते कि लंग्स जिनको निमोनिया होता है उनके लिए खेकड़े का सूप बहुत अच्छा है, तो उस ताल्लुक से क्या हुक्म है? खेकड़े के बारे में देखिए, खेकड़े के बारे में यहाँ बताया गया कि खेकड़ा जो है दुरुस्त नहीं है इस्तेमाल करना। एक मिनट यहाँ बताओ, खेकड़ा केचुआ, यहाँ पर खेकड़ा, खेकड़ा जो है हराम बतलाया गया एक बार। फिर दूसरी बात जो है, आप कुछ बता रहे थे खेकड़ा और खेकड़ा के बारे में बताया जा रहा था। सूप सर, खेकड़े का सूप मौल साहब वो बोलते हैं कि जिनको निमोनिया हुआ उनको खेकड़े का सूप दिए तो जल्दी ठीक होते, तो उस ताल्लुक से पूछी मैं। दूसरी चीज ये है कि जो जानवर हराम होते हैं या जिनका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं होता है, लेकिन उनके कोई पार्ट जो है दवा के तौर पर यूज कर सकते हैं या नहीं, इसमें थोड़ा मसला अलग है। इसके बारे में बताया गया कि अगर मुकम्मल अपन सर्च कर लिए कि कोई दूसरा इलाज है ही नहीं, सिर्फ ओनली यही इलाज है कि जो हराम जानवर के किसी पार्ट से बना हुआ है, और हम मुकम्मल सर्च भी कर लिए कि इस मर्ज का कोई दूसरा इलाज है ही नहीं, अगर है तो दूसरा इलाज इख्तियार करना चाहिए, लेकिन कोई दूसरा इलाज है नहीं, सिर्फ यही इलाज है जो हराम जानवर से के जरिए से किया जा रहा है, तो फुकहा जो है उलमाए कराम जो है इस मजबूरी की हालत में थोड़ा बहुत उससे फायदा हासिल करने इलाज कराने की इजाजत दी है, लेकिन साथ में शर्त भी ये बताए हैं कि आप मुकम्मल तहकीक कर लीजिए कि कोई उस मर्ज का इलाज कहीं दूसरी और चीज जो हलाल चीज है उससे होता होगा, अगर होता है हलाल चीज से तो उस हलाल चीज से इलाज कराना चाहिए, और जब हलाल चीज मौजूद हो तो हराम चीज के जरिए से जो है इलाज नहीं कराना चाहिए। तो हम जो कायदे पढ़ रहे थे, एक मिनट, जिन जानवरों में बहता खून है और जो घास पत्ते खाते हैं और दांतों से जख्म या शिकार नहीं करते, भर जो जानवर शिकार नहीं करते वो चर कर खाते पीते हैं और जख्म नहीं करते, किसी पे हमला नहीं करते, शिकार नहीं करते, वो लोग शिकार करके नहीं खाते जानवरों को, जैसे ऊंट है वो खुद ब खुद जो है घास खाता चरता फिरता और उसके अंदर बहता हुआ खून भी है, बकरी है ये शिकार करके नहीं खाते लोग, जैसा शेर एक शिकार करता किसी जानवर को खाता वैसा नहीं करते ये लोग घास खाते, तो घास खाने वाले घास पत्ते खाने वाले जो जानवर है जिनके अंदर बहता हुआ खून है जो शिकार नहीं करते, तीन चीजें हैं, शिकार नहीं करते और दांतों से जख्म भी नहीं लगाते, दूसरी चीज है घास खाते, तीसरी चीज है कि इनके अंदर बहता हुआ खून है, तो ऐसे जानवर हलाल है, जैसे ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, बैल है, भैंस है वगैरह, तो ये तमाम चीजें जो है हलाल है, क्योंकि ये जो है घास खाते पत्ते खाते हैं और जो है शिकार करके नहीं खाते हैं, जख्म दांतों से जख्म देकर नहीं खाते हैं, तो ये चीजें जो है हलाल है। उसके बाद बता रहे हैं कि जो परिंदे जो है मौल साहब जी, घोड़ा तो कतरता ना मौल साहब जी, घोड़ा दाग डाल सकता ना? घोड़े के बारे में पहली चीज तो एक मकरूह बताया गया, घोड़ा जो है हरन बारासिंगा भी हलाल है मौल साहब,
हाँ पढ़ लीजिए नीचे तफसील है पूरी। जी एक मिनट जी। अब उसके बाद देखिए जो सिर्फ जो है दाना खाते हैं, आवाजें आ जा रही, मैं बंद कर देता हूँ। चलिए, अरे माइक बंद कर लीजिए कोई साहब है। चलिए हाँ, जो परिंदे जो है दाना चखते हैं, दाना खाते हैं, और पंजे से अपने जख्म भी नहीं करते, शिकार भी नहीं करते, लोग सिर्फ दाना चखते दाना खाते हैं, शिकार वगैरह नहीं करते, जो परिंदे इस टाइप के हैं वो तमाम परिंदे जो है हलाल है, बेहतर है, फाख्ता है, माशाल्लाह बेहतरीन आवाज है किसी। मैं जो फिर इनको बंद कर देता हूँ। तो बहरहाल जो परिंदे जो है दाना चखते हैं, शिकार नहीं करते हैं और पंजों से जख्म भी नहीं करते हैं, तो ऐसे परिंदे जो है हलाल है। तो इसकी एक पूरी लिस्ट है, कबूतर है, फाख्ता है, तोता है, तोती, बहरहाल तोती है, तोता है, और बतख है। मुर्गी हलाल है बोलते हैं, मगर कभी ये काल पर देखी कि मुर्गी सिपलक को खाती। हाँ जी 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 अब देखिए, कभी एक मरतबा जो कभी कभी हो जाए उसका एतबार नहीं करते, जो अक्सरियत करती है उसका एतबार किया जाता। दूसरी चीज देखिए, अगर कोई चीज मुर्गी वगैरह कोई भी हो, जानवर जो हलाल है, गंदगी खा रहा हो, तो उसको अगर इस्तेमाल करना है तो बताया कि 3 दिन तक उसको जो है अच्छी चीज खिलाना चाहिए। जैसे मुर्गी है, अब उसको जुबा करना चाह रहे, लेकिन हम देखें कि चीज चिपकली या कोई और गलीज चीज खा ली है, तो 3 दिन तक अपने घर में बंद कर उसको अच्छा गिजा खिलाना चाहिए, ताकि जो भी गंदी खाए के पूरी बाहर निकल जाए। उसके बाद 3 दिन के बाद सुबह कर लेना चाहिए। ये तरीका है। फिर उसके बाद जो है मौल साहब, टीटर बटर भी रहता ना जो दावतों में आजकल। एक मिनट एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे कि जो परिंदे जख्म नहीं लगाते, दाना चक्कर खाते हैं, वो परिंदे हलाल है। और इसी तरह जो है, जो दरिंदे हैं जो दांतों से जख्म लगाते शिकार करके खाते हैं, जो भी जानवर जख्म लगाकर शिकार करके खाते हैं, जैसे शेर है, भेड़िया, लोमड़ी, तेंदुआ, चीता, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, ये तमाम जानवर जो है हराम है। परिंदे में टीटर बटर रहता, टीटर बटर जो रहता। अब जो भी आप बता रहे हैं, अब इसकी यहाँ पर पूरी उस लिस्ट में देख लीजिए, आपका मतलूबा सवाल का जवाब मिल जाएगा। पूरी लिस्ट है, आप किताब में देख लीजिए। तो अपन ये जो फायदे समझने की कोशिश करेंगे, तोता हराम है, तोता हलाल है बल्कि लिखा हो जी। तोती, एक मिनट, तोता तोती का हुआ, ये दो हलाल है जी। नजर आ रहा है स्क्रीन पे, नजर आ रहा है ता के बाद है पर, तोता हलाल, तोती हलाल जी। तोती अलग है, अलग किस्म का परिंदा। हाँ नीचे जो है हाशिम बता रहे के, तो ये तोती जो है तोते से थोड़ा अलग और छोटी टाइप, छोटे अंदाज की होती है। तोता जो है थोड़ा बड़ा होता है, उसका साइज जो है बड़ा होता है, बता रहे हैं। दोनों भी हलाल है। हाँ दोनों भी हलाल है। तोते के ताल्लुक से तो मुनि साहब सुने भी नहीं थे। आवाज आवाज से एक मिनट सबको
साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब आ रही? ठीक जी आ रही मुझे। हाँ, तो उसके बाद बता रहे थे कि जो दरिंदे दांतों से जख्म करकर शिकार करके खाते हैं, शेर भेड़िया वगैरह लोमड़ी, तो ये सब चीजें जो है हराम है। उसके बाद बताया जो परिंदे जो है पंजे से जख्म करके और शिकार करके खाते हैं, जैसे बाज परिंदा है, बहरहाल हम लोग तो देखे नहीं क्या है, बाज है, बाशा, बहरी, तिरमती, चील, शिकरा, लटोरा, ये जो है परिंदों के बारे में बताया जा रहा है कि पंजे से जख्म करके शिकार करके खाते हैं, तो बहरहाल ये परिंदे जो है हराम है। उसके बाद के जो परिंदे सिर्फ मुर्दार खाते हैं, जैसे गिद्ध है या हुमा को एक परिंदा बता रहे हैं, तो ये भी जो है हराम है। ये तमाम चीजें तफसीलात आपको एक अहम अहम जो खैरियत है खैरियत वो समझा दिए गए। और उसके बाद लास्ट में बता रहे हैं कि जिन जानवरों के माँ बाप में से एक हलाल और एक हराम हो उसमें माँ का एतबार होता है, अगर माँ हलाल है तो बच्चा भी हलाल होगा, अगर माँ हराम हो तो बच्चा भी हराम होगा। उसके एक मिसाल दिए हैं कि जैसे खच्चर है, खच्चर तो हराम है, कब, जबकि उसकी माँ गधी हो, अगर माँ गाय हो तो फिर हलाल है, अगर माँ घोड़ी हो तो मकरूह है। तो खच्चर के बारे में बता रहे के अगर माँ गधी है तो हराम है, अगर माँ जो है गाय है या घोड़ी है, गाय है तो हलाल है और घोड़ी हो तो मकरूह है, तो ऐसा अलग अलग हो तो ये एतबार कह देंगे। और लास्ट में ये बता रहे हैं कि दूध का मसला क्या है, जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल होगा, और अंडे का मसला भी यही है कि जो जानवर हलाल है उसका अंडा भी हलाल, जो जानवर हलाल है उसका दूध भी हलाल, जो जानवर हराम है उसका दूध अंडा दो भी हराम है। तो गोश्त का जो हुक्म है वही जो है अंडे का या दूध का ठहरेगा। उसके बाद जो है हर एक की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, कभी फुर्सत में रहे तो आप जो है हर एक के साथ पढ़कर देख सकते हैं कि अलिफ में जो है अबाबिल के बारे में बताया गया कि हलाल है, उल्लू हराम है, ऊंट हलाल है, फिर बाज से बारासिंगा हलाल, बाज परिंदा हराम, बाशा हराम, बाम मछली हलाल, बबर हराम, बटेर हलाल, बिज्जू हराम, बिच्छू हराम, बहरहाल पूरे परिंदे लिस्ट है पूरी, आप कभी फुर्सत में रहकर जो है इन तमाम परिंदों की तफसील पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा है कि इत्मीनान हासिल होगा। गाय है, गटूर, गिद्ध, गधा, पालतू, गिरगुट, तमाम चीजें जो है बाज हलाल है, बाज हराम है। तो ये चीजें जो है हम पढ़ रहे थे कि कौन से जानवर हलाल है और कौन से जानवर हराम है, और जुबह करने के क्या मसाइल है ये हम जो है जानने की कोशिश कर रहे थे। तो जुबह के मसाइल मुकम्मिल होने के बाद जो है कुर्बानी के मसाइल शुरू हो रहे हैं। कुर्बानी के मसाइल भी जो है नहायत ही अहम है, कुर्बानी जब हम देते हैं तो इन मसाइल से वाकिफ होना जरूरी है। तो हम जो है कुर्बानी के चंद मसाइल भी जो है जानने की कोशिश करेंगे, और इस दौरान हमें बहुत सारे नए बातें भी इंशाल्लाह मालूम होंगे। मतलब ये शार्क मछली का क्या हुक्म है? मछली जो भी हो हलाल है। सर बड़ी मछली, सर बड़ी मछली हराम है बोलते ना सर? कौन सी बड़ी मछली? मींस जैसे शार्क एंड वेल है सर, उसके बारे में ये बोला गया कि नहीं खाने का हुक्म है। कहां पढ़े सर? मैं बड़ों से सुनी सर, पढ़ी तो नहीं। नहीं, हम लोग तो मेरे जो मुताले में आया मछली जो है उसकी तमाम किस्में हलाल है उनकर मैं पढ़ा हूँ, फिर भी अगर आप कहीं देखें तो बताइए इंशाल्लाह देखेंगे। सर अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं मालूम करती हूँ। सर आप भी तो आप भी ट्राई करें ना सर, क्योंकि आप ये फील्ड में हैं सर। हाँ, तो मैं अपने फील्ड की वजह से बता रहा हूँ कि हम ये पढ़े हैं कि मगरमच्छ भी बता रहा ना वो हलाल है राम जी, मगरमच्छ भी बता रहा ना मगरमच्छ जी। चलिए उसी बात देखिए कुर्बानी के मसाइल, ये मसाइल है बहुत अच्छे तफसील से इसमें
इंशाल्लाह इसको एक दो दिन लगेंगे समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद अकीके के मसाइल आ जाते हैं। अब देखिए कुर्बानी के मसाइल में हम आज मुख्तसर थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो यह है कि कुर्बानी की डिफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। कुर्बानी कहते हैं फर्स्ट तो ये कि नियत इबादत की होना चाहिए, पहली चीज। यानी नियत जो है कोई और ना हो, सिर्फ इबादत की नियत हो, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस खास दिनों में, यानी बकरीद जो 3 दिन है सिर्फ उसी 3 दिनों में, यानी अब रमजान शरा शरीफ बोलते उसको क्या बोलते, शरीयत को बोलते, शरा शरीफ यानी इस्लामिक लॉ, शरीयत में मखसूस अय्याम यानी खास स्पेशल 3 डेज में ही, जो बकरीद के मौके पे 3 दिन रहते हैं, बस उसी 3 दिन के अंदर ही हो तो कुर्बानी कहते हैं, अगर उसके बाद हो तो जो खास कुर्बानी का हुक्म है वो नहीं होगा, या तो कज़ा होंगी या दूसरा कोई और चीज़ हो जाएगी। फिर जो है खास जानवरों को ज़ुबा करना, खास जानवर होना, खास दिन होना, खास नियत यानी इबादत की नियत होना, ये 3 चीजों हो तो कुर्बानी कहते हैं। जो जानवर बतलाए गए हैं उसके अलावा कोई और जानवर हो तो कुर्बानी नहीं कहलाती, और जो खास दिन बतलाए गए हैं उसके अलावा कोई और दिन हो तो कुर्बानी नहीं होगी, और जो नियत बतलाई गई है इबादत की दूसरी कोई और नियत हो, अकीक़े की नियत है, तो उसे कुर्बानी नहीं कहते। तो नियत भी खास होना चाहिए, दिन भी खास होना चाहिए, जानवर भी खास हो, ये 3 चीजें खास चीजें शामिल हो जाए तो उसे कुर्बानी कहा जाता है। अब कुर्बानी किस पर वाजिब है ये तफसील है, आप 2-3 मिनट में इंशाल्लाह समझ जाएंगे, आप इंतजार करें कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो बता रहे कि जो भी मुसलमान साहिब निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब साहिब निसाब किसे कहते हैं, साहिब निसाब किसे कहा जाता है, तो बता रहे हैं 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि उसके पास जो चीजें हैं, जो पैसा है, जो दौलत है, वो चीजें काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद जो है वो इतनी हो रही है कि उससे हम 60 ग्राम सोना खरीद सकते हैं या 42.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, तो सब तब समझा जाएगा कि वो साहिब निसाब है। यानी मतलब ये है साहिब निसाब किसे कहते हैं, साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि जो आदमी को बुनियादी ज़रूरतें हैं, बुनियादी ज़रूरतें के अलावा जो भी इजाफी चीज़ें हैं उन तमाम को काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप समझने की ये कोशिश करें कि बुनियादी ज़रूरत किसे कहते हैं। बुनियादी ज़रूरत का मतलब ये होता है कि जिस पर इंसान की जिंदगी का इन्हिसार है, अगर वो ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जैसे रहने के वास्ते घर, खाने के वास्ते चीजें, गिजा, कपड़े, ये जरूरी है चीजें। अब इसके अलावा जो भी होगा उन तमाम काउंट किया जाएगा। मकान, घर की तमाम चीजें हैं इसको छोड़ देकर, अब इसके अलावा जो भी पैसा होगा, सोना होगा, चांदी होंगे, जो भी इजाफी गाड़ियां होंगी, एक जरूरत की गाड़ी है बाकी अब 2-3 और इजाफा है उसको भी काउंट करेंगे, उन तमाम पैसों को, सोना को, सोने को, चांदी को और जो भी जेवरात है उसे जमा करें, बैंक बैलेंस है उसे जमा करें, तमाम को काउंट कर लेके इतना तो हो रहा है कम अज कम कि हम उससे जो है 42.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, या फिर जो है 755 मिलीग्राम सोना खरीद सकते हैं, इतना पैसा हमारे पास हो गया तो अब हम साहिब निसाब हो गए। ये बात शायद आप समझ गए होंगे कि साहिब निसाब कब होता है इंसान। बुनियादी जरूरतें जो इंसान की नीड है, बुनियादी जरूरत है, एसेंशियल नीड है, उसको छोड़ देकर, घर को छोड़कर, उसे कपड़ों को छोड़ देकर, जी अगर ये चीजें रहने के बाद भी खर्चा है तो क्या कुर्बानी दे सकते हैं, यानी इजाफी चीजें रहने के बावजूद खर्चा भी है, यानी इजाफी चीजें जो है आपके, आप माइक बंद कर लीजिए जी, इजाफी जो चीजें हैं उसको काउंट करने के बाद
साहिब निसाब हो रहे हैं लेकिन जो है कर्जा भी है, तो हम क्या करना चाहिए? अगर से एक तफसील आगे आ रही है लेकिन मैं मुख्तसर बोल दूं कि हम हाँ तो कर्जा जो है मिनहा करेंगे, यानी जो पैसे हैं ये समझेंगे कि अगर हम कर्जे को अदा करने के बाद जो पैसा बच रहा है क्या वो निसाब को पहुंच रहा है या नहीं। जी मेरी बात, अगर बैंक का बैंकर है तो कर्जा क्या कर लो। ठीक, बहुत सवाल है, इंशाल्लाह आगे समझेंगे पूरा। जी तो मैं ये बता रहा था हुजूर, अगर कर्जा रख के मतलब एक मतलब गाय में हिस्सा दे दिए, मतलब एक हिस्सा दे दिए तो कुर्बानी में काउंट हो जाता है या नहीं, वो अलग से पूरा जानवर लेके कुर्बानी देना पड़ता? देखिए जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है या जो निसाब को नहीं पहुंचा फिर भी कुर्बानी दे रहे हैं तो यकीनन कुर्बानी कबूल हो जाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, जो गरीब था, फकीर था या कर्ज ये निसाब जो है तो 52.5 तोला चांदी है ना। एक मिनट आवाज जो है बहुत टकरा रही है। मैं ये निसाब जो है 52.5 तोला चांदी और सोना 7.5 तोला ये निसाब है क्या? बिल्कुल बिल्कुल आप सही फरमाए हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा वजाहत कर दूं आपको। जी एक मिनट, आप अपना माइक बंद कर लीजिए, बोलता हूँ मैं, थोड़ा आवाज आ रही बहुत आपके पास से। तो देखिए जो अहादीस में जो है जो वजन बतलाया गया कि इतना अगर वजन हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब उस वजन को तोला गया कि वो आज के हिसाब से कितने ग्राम होता होगा, क्योंकि हुजूर के जमाने में ग्राम मिलीग्राम ये तमाम चीजें तो नहीं थी, तो आज के हिसाब से आज के दौर के हिसाब से अंदाजा लगाया गया। तो इसमें जो है थोड़ा जो उलमा थे जो लोग वो लोग तहकीक के सर्च किए तो उसमें दो तीन ग्रुप हो गए, बाज जो है शुमाली हिंद के हैं बाज जनूबी हिंद के हैं। जो शुमाली हिंद के हैं तो उन लोगों का ये तय पाया कि वो जो है 55 तोले चांदी 7 तोले सोना या ऐसे बातें तय पाई, तो वो उलमा की तहकीक है, अगर कोई उसको फॉलो करना चाहे तो बिल्कुल फॉलो कर सकता है, इसमें हर्ज नहीं है। और बाज जो जनूबी हिंद के हैं बिलखुस हैदराबाद के फिर जामे निज़ामे के यहाँ इस एक जितने उलमा हैं वो लोग तहकीक किए, तो उनकी तहकीक ये है जो आपको पेश की जा रही है। तो बहरहाल कोई आदमी अगर शुमाली हिंद के जो उलमा तहकीक किए उसको फॉलो करना चाहे तो बिल्कुल फॉलो कर सकता है, अगर कोई यहाँ के उलमा को फॉलो करना चाहे उनकी तहकीक फॉलो करना चाहे तो दो भी कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल उलमा की तहकीक है, हर एक के अपने दलाइल है, तो आपका जवाब शायद मिल गया होगा। तो जनूबी हिंद बिलखसूस जामे निज़ामे आपके जो उलमा है उनकी जो तहकीक है उसके हिसाब से ये आपको बताया जा रहा है कि चांदी जो है कोई आदमी के पास पैसा इतना हो कि चांदी उससे 425 ग्राम और 275 मिलीग्राम चांदी खरीद सकता है, या फिर जो इतना पैसा है कि 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना खरीद सकता है या कोई और चीज़ खरीद सकता है इसके पैसों की बेकदर, तब जो है वो आदमी साहिब निसाब कहलाता है और उस आदमी पर जो है कुर्बानी वाजिब होती है। कर्ज के बाद चूंकि थोड़ा आपको बता दिया गया, फिर आगे इंशाल्लाह कर्जे की बात तफसील से आएगी। फिर उसके बाद ये है कि ज़कात के बारे में आप सुने थे होंगे कि ज़कात वाजिब होने के लिए जरूरी कि एक साल का गुजरना जरूरी है, तो लेकिन कुर्बानी पर ऐसा नहीं है कि साल गुजरना जरूरी नहीं है। जिस दिन भी जो है ईद के दिन से थोड़ी देर पहले भी जो है तो ईद की ईद से थोड़ी देर कबल भी जो है अगर आदमी साहिब निसाब हो गया तब भी जो है उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अलबत्ता जो आदमी साहिब निसाब नहीं है यानी उसके पास इतना पैसा नहीं है कि 42.5 तोले चांदी खरीद सके या 60 ग्राम 755 मिलीग्राम सोना खरीद सके, तब ऐसा नहीं है उसके पास, तो वो आदमी अगर कुर्बानी देना चाहे तो कुर्बानी होती या नहीं? अगर देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है, मुस्तहब है, अफजल है, बहुत बेहतर है, पसंदीदा अमल है कि वो ऐसा आदमी भी देना चाहिए जो दे सकता है। और चूंकि बहुत सारे कुर्बानी के हवाले से बहुत सारे मसाइल है आगे, तकरीबन 3-4 सफ़े है, एक या दो दिन इंशाल्लाह इसी पर गुफ्तगू होगी,
तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद अगर हमारे सवालात रहे तो शायद मसला आसान होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे आ रही है, तो हम उसी का पहले से ही अगर तो कर लेते बैठे तो आगे का वक्त जाया हो जाएगा। तो बहरहाल चंद बातें आज आपको पेश की गई है, और इंशाल्लाह ताला कल इसी तरह कुर्बानी के हवाले से चंद और अहम बातें आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। तो आज जो है यहीं पर खत्म कर लेते हैं, और इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे फिर। अल्लाह सब हाफिज़। एक सवाल है जनाजे जी। के ताल्लुक से, एक सवाल था। हाँ जी फरमाइए। ये तदफीन के बाद जो 40 कदम चल के दुआ करते हैं, उसके बारे में क्या? उसके बारे में ये है कि अहादीस में और किताबों में ये आया है कि जनाजे से हम जब 40 कदम दूर हट जाते हैं तो फौरन फरिश्ते वगैरह आ जाते हैं। जो हिसाब हो कि आप अपना माइक बंद कर लीजिए, मैं आवाज अच्छी तरह समझा सकूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो अहादीस वगैरह में आया है कि 40 कदम दूर हटने के बाद जो है फरिश्ते जो हिसाब किताब लेने वाले हैं, वो जो सवालात करने वाले हैं, मन रबू का मादीनू का, ये फरिश्ते जो है आकर जो है सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो चूंकि 40 कदम दूर हटते ही फरिश्ते आने वाले हैं, तो 40 कदम दूर हटकर जो है लोग दुआ करते हैं ताकि जो सवाल जवाब का मरहला शुरू हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाए हुए ये इसके अफराद खानदान हो, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा करे, राहतें पैदा करे, सवाल जवाब में आसानियां पैदा करे। इस वजह से जो दुआ की जाती है। अगर कोई दुआ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अमल है, अगर कोई दुआ नहीं कर रहे हैं तो कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कोई कर रहे हैं तो उन्हें मना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा उस काम कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, तो अच्छा अमल, कोई उसमें हर्ज नहीं है। शायद समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कल मिलेंगे। जी जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।